यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। करने आए हो मॉडलिंग? कब से कर रहे हैं आप मॉडलिंग? हो गया। किसने बताया यहाँ शो होने वाला है? एड भी देखा था। ये क्या करने आए हो? ये हो जाए, गाली हो जाए। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? लग रहे हो आप एम के भाई। कैसे करोगे कैसे? आप कैसे करोगे? बड़े यहाँ पे बहुत से लोग किसी को करनी मॉडलिंग, किसी को डांसिंग, किसी को सिंगिंग है। किसी को करनी मॉडलिंग, किसी को डांसिंग, किसी को सिंगिंग है। ये एक मंच है जहाँ पे हमको करनी रूटिंग है। बच्चा क्या हुआ आपका? बोलो। I am selected। क्या किया था आपने? मॉडलिंग का डांस दोनों करते हैं आप? वाह, व्हाट योर फेवरेट है? मॉडलिंग
कहाँ से आए आप? सर मैं सैफई से आया हूँ। सैफई से? वैसे क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी? यहाँ क्या करने आए थे? मैं यहाँ मॉडलिंग के लिए आया था। मॉडलिंग के लिए? क्या आपको लगता है मॉडलिंग में आपका करियर सेट हो सकता है? हाँ सर, मुझे लगता है कि मैं बस जीतना चाहता हूँ। मैं मॉडलिंग में जाऊँ और इस चीज़ को जीत के आऊँ। कौन आपको सपोर्ट करता है फैमिली से? फैमिली से सर, हमारी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है हमें कि जाओ कुछ करके आओ। तो इस वजह से मैं गया और कुछ माँ अपने माँ बाप के पास कुछ बन के जाऊँगा। आप कितने टाइम से ये कर रहे हैं? अभी तो 2 महीने हुए हैं। 2 महीने? किसी ने आपको बताया था यहाँ ऑडिशन होने वाला है या कुछ, या कैसे पता चला जैसे आप आए हैं? आप बताएंगे हमारे लोग? सर ये हमारे यहाँ राहुल मिश्रा सर हैं, उन्होंने उनकी जानकारी से मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए तो मुझे जानकारी हुई तो मैं आया। तो मैंने इस चीज़ को किया और मैं आगे गया। वैसे क्या हुआ फिर, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? सर सिलेक्शन तो हो गया, मैं बहुत खुश भी हूँ। घर जाके बताऊँगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे घर वाले भी बहुत खुश होंगे। फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए या फिर सेकंड राउंड के लिए? अभी तो सेकंड के लिए, लेकिन फाइनल में भी मैं हो जाऊँगा, मुझे तो सर विश्वास है। सर आपका ये शो में जिसमें आप आए हैं, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर तो राहुल जैकर सर हैं। राहुल जैकर जी, आर जी भाई या? और इसके सेलिब्रिटी जो हैं वो है राहुल मिश्रा सर। मतलब ऑर्गेनाइजर या? हाँ सुना है राहुल मिश्रा सर, ऐसा फिल्म प्रोडक्शन साइड या? हाँ धूम मचा रही है ऐसा फिल्म प्रोडक्शन। ठीक है सर, थैंक यू बोलना चाहूँगा आपसे। शुक्रिया सर। सर ये तो बस आप सबका प्यार है और हमारे घर वालों का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपना करते रहें, मचाते रहें। एक नंबर इटावा का और सैफई के नाम रोशन कीजिए। हम तो सैफई के नवाज़ सैफई इटावा, यहाँ तो बस अपना नाम उठाना चाहता हूँ अपने माँ बाप का, जो उन्हें गर्व हो कि हमारा बेटा हाँ कुछ है, जो कुछ कह सके वो कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है। बस एक प्यार यही तो है। वेरी गुड। जैसे आपको क्या बचपन से आपको लगता था आप इसी लाइन में जाएंगे कुछ और? बचपन से तो यही सोचा था, किसी को दूसरे जब देखता था तो खुद मोटिवेट हो जाता था कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, बस एक यही सपना था। तो आज मैं आया और इस चीज़ से सिलेक्ट हुआ, मुझे बहुत खुशी है और सब लोगों को बताऊंगा वो भी खुश होंगे। वेरी गुड। तो दूसरा कीजिए ऐसा फिल्म प्रोडक्शन एंड दीक्षित मूवीज, ऐसा फिल्म एंड दीक्षित मूवीज, ऐसा कर दीजिए। ऐसा फिल्म्स और दीक्षित मूवीज, ऐसा फिल्म एंड दीक्षित मूवीज फुल मचाएंगे करके मेरे साथ में। ऐसा फिल्म दीक्षित मूवीज फुल मचाएंगे। थैंक यू विकास। यही इवेंट में अच्छे में जजिंग के लिए किसने ऑफर किया, कैसा क्या है ना, उसमें कौन कौन है? हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा इवेंट आरजे इवेंट एंड एसआर फिल्म के बैनर तले हो रहा था, जिसमें सिविलियंस स्कूल में इसका आज ऑडिशन था। तो काफ़ी अच्छे लोगों ने, करीब 50 से 60 बच्चों ने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट भी हुए, कुछ अनसेलेक्ट भी हुए, काफ़ी टैलेंट भी है इटावा में। अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। हमारे कुछ जजेस हैं कृतिका जी, रिया मैम, ऋषभ एंड मी, मेरे को जानते ही होंगे आप। मेरा प्रोड्यूसर है राहुल मिश्रा, मेरी और टीम है
सबको ही आप जानते हैं, मेरी टीम में नई आई हुई है कृतिका जी, आज जज थे ये। और इसका इसके सेकंड लास्ट में जो सेकंड फाइनल में गए हुए हैं बंदे, वो सारे प्रोग्राम कहाँ होगा राहुल भाई? लखनऊ। लखनऊ में। और फाइनल का देखो बताते हैं आप लोगों को, पता रहता है। और इसके फाइनल में जो हमारी जज होंगी वो सपना चौधरी मैम है, बाकी अब आपको ऋषभ भाई बताएंगे। जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और मुझे जज बनाया। मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट भी किया है और बहुत सारे बच्चों को अनसेलेक्ट भी किया है जिनमें काफी टैलेंट है, पर कुछ कमियों की वजह से वो रह गए पीछे। वो चिंता मत करें, आगे और भी प्रोग्राम होंगे और बेटर कर सकते हैं वो, और उनका आगे जाना पड़ेगा मुझे। थैंक यू। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे यहाँ पर करने आए, लेकिन काफ़ी लोगों का अच्छा था, ज़्यादातर अच्छा ही था, बट कुछ कमियाँ रह गई थी जिससे वो रह गए। उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े स्टेप थोड़ी चीज़ें रह गई हैं जिनको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग, अपने में काबिलियत होती है, सबके अंदर होती है, वो आगे बढ़े और बस फिर और ऑडिशन होंगे उसमें सेलेक्ट हुए। मैं सबसे पहले तो आरजी इवेंट और एसएफएम को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा शुभ अवसर दिया कि मैं इस पद तक, इस मतलब इस जगह तक पहुँचा हूँ। मैंने यहाँ बहुत सा अनुभव किया है, जो कि मैं और जीतू सर दोनों लोग रिसेप्शन थे, और रिसेप्शन पे मैंने फॉर्म का और जो कुछ होता है XYZ वो सब हम लोगों ने संभाला है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम ये प्रोग्राम कराते रहेंगे। आरजी इवेंट्स एंड एसआर दीक्षित फिल्म मूवीज़ की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया, और आपने देखा सारे बच्चे आए हैं, काफ़ी दूर दराज से आए हैं, और बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने अपना परफॉर्म किया और इतने स्टेट अच्छे लेवल तक पहुँचे। राहुल मिश्रा सर और सारी टीम ने इतना सपोर्ट किया है, मिलकर काम करते हैं। और जो ये जो इवेंट है ये राहुल जैकर जी हैं, जो रहने वाले तो इटावे के, बट वो अभी लखनऊ रहते हैं, तो वो आज यहाँ नहीं है, बट हम उन लोगों को भी उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। स्माइली, और काफ़ी अच्छा लगा आज ऑडिशन के टाइम। मैंने मेरा से मिमिक्री बिहार एंकरिंग कर रहा था, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़े लिए, पढ़ रही हैं इटावा में भाई, रोम नाम रोशन कर रही हैं, ये बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही मचाते रहिए आरजी बैंड, दीक्षित मूवीज एंड ऐसा फिल्म प्रोडक्शन, और फाइनल अपना आने वाला है लखनऊ में 19 स्माइली। और आज हमारे इटावा ऑडिशन था आरजी बैंड, दीक्षित मूवीज एंड एसआर फिल्म प्रोडक्शन, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी आर्टिस्ट आए, काफ़ी टैलेंट देखा अपने इटावा में, एंकरिंग कर रहा था मैं, और काफ़ी मज़े आए। बोलना चाहेंगे Hi guys, I'm Ashmi Singh, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, और यहाँ ऑडिशन था तो मज़ा बहुत आया। और थैंक्स बोलना चाहेंगे हेलो, मेरा नाम सुनील कश्यप है, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे राहुल जस मिश्रा सर ने मुझे बुलाया था यहाँ पे देखने के लिए, संभाला मैं हर चीज़ देखा मैं अंदर, सॉन्ग इतना भी सॉन्ग का काम होता है, बच्चों को सॉन्ग लगाना उठाना वो मैंने सारा काम किया है, इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो ऑडिशन हुआ है हमारे 7th स्कूल में, इसके मैं डिस्क्रिप्शन ये देना चाहती हूँ कि जो राहुल जयेश मिश्रा हैं उन्होंने इस ऑडिशन को फुली सक्सेसफुल किया है हमारे स्कूल के अंदर। मैं चाहती हूँ ऐसे ऑडिशन हमारे स्कूल में आगे और भी ऑर्गेनाइज हों, और थैंक्स फॉर आरजे इवेंट एंड एसआर फिल्म प्रोडक्शन, एंड थैंक्स for all our team and best of luck to my school. Guys, my name is Rahul Mishra, producer SR Film and Dixon Movies, और हमारे जो मित्र हैं राहुल जैकर, जो कि हम उनके सपोर्ट से एक इवेंट कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस 2020, जिसका सेलिब्रिटी गेस्ट जो है हमारी सपना चौधरी, तुषार सेट्टी, सिजा रॉय, ये हमारी सेलिब्रिटी जज हैं जो कि लखनऊ में होंगी। प्लस इसके दो ग्रैंड फिनाले हैं, एक आपका इटावा में, एक आपका लखनऊ में। ये ऑडिशन इटावा ऑर्गेनाइज जो हमने किया है वो 7 Hills स्कूल में किया, और हमारे यहाँ जो भी बच्चे आए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट, जो नहीं सिलेक्ट हुए मैं उनसे कहूँगा आप season 3 में ट्राई करिए, हो सकता है आपको इससे बड़े सेलिब्रिटी वहाँ मिले। और भी हमारी टीम SR फिल्म प्रोडक्शन, RJ इवेंट, मैं ऑल टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ आकर
हमारी पूरी व्यवस्थाओं को देखा है, और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स कहना चाहूँगा संजय सर को जिन्होंने यहाँ का प्रोडक्शन का पूरा काम देखा है, और उप्र उनको संजू भैया भी कहते हैं। थैंक यू। जो भी हमारे ऑडिशन में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, जो कि लखनऊ के ग्रैंड फिनाले में, इटावा के ग्रैंड फिनाले में, और हमारी जो भी हम वर्क कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोस, बॉलीवुड मूवी, उनमें भी हम उनको अच्छा सा वर्क देंगे, और वो हमारे यूट्यूब चैनल एसआर फिल्म एंड दीक्षित मूवीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें और भी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आज ये इवेंट एसआर फिल्म प्रोडक्शन आपके लिए आगे भी नए नए इवेंट लाता रहेगा और बच्चों को उनकी कामयाबी तक पहुंचाता रहेगा। हमारा सपना यही है, जितने भी डांसर्स, जितने भी सिंगर, जितने भी मॉडल है, सबके चेहरों पे खुशी देखना। थैंक यू।